फर्स्ट टाइम सीढ़ी चढ़ रहा है। ऑगी आओ। यस बेबी कम ऑन। यस वेरी नाइस। ऑगी 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 यार चल जा दौड़ो। ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं और ऑगी टेरेस पे आ गए हैं बड़े दिनों बाद। आज सुबह के अपने को थोड़ी लेट हो गई है। 7 बज रहा है अभी, तो हम अपने पुराने शेड्यूल से थोड़ा लेट पे। हम 7 बजे कभी यहाँ नहीं आते। हम आते हैं यहाँ पे तो 6:30 तक आ जाते हैं। 30 मिनट्स देरी से है, थोड़ा बहुत तो चलता है। आंखें मेरी बंद इसलिए हो रही क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई है। लेट हो गए ना तो धूप निकल आई है। देखो जरा बहुत तेज धूप है। ऑगी मस्त खेल रहा है टेरेस पे इतने दिनों बाद आकर के। लेकिन आज जो ऑगी ने काम किया ना, अभी आप लोगों ने जो देखा, सीढ़ी चढ़ता हुआ आया है ये खुद से। अच्छी बात है, बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना वढ़ना सीख गया है। थोड़ी इसकी फटती है सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में तो खासकर। फ्राइडे है 1 अक्टूबर, कल गांधी जयंती होगी तो कल ऑफिस की छुट्टी है, फिर संडे हो जाएगा तो 2 दिन की छुट्टी आज ऑफिस करने के बाद। अच्छा लगता है जब ऐसी छुट्टी आती है, 2 दिन छुट्टी लगातार। देखो मैं हर बार आता हूँ बोलता हूँ, ये घर कितने सुंदर बने हुए हैं, स्पेशली वो वाला बहुत सुंदर बने हुए हैं। धूप वाकई बहुत तेज है आज, चमक रही है आँखों में गंदी वाली। ऑगी क्या खेल रहा है बेटू? खूब दौड़ी लगाई जा तू, वो गंदा हो ही जा। खेल ले बेटा खेल ले, बड़े दिन बाद टेरेस पे आए ना, सारी मौजें पूरी कर ले। चले नीचे बेटू, चलेगा नीचे, गंदा हो जाता है तो खेल के ऐसे वैसे। हाँ गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो भैया व्लॉग अपलोड हो चुका है, मैं बस इसको पब्लिश करूँगा। मैं कोशिश तो पूरी यही कर रहा हूँ कि डेली सीरीज में व्लॉग निकालूँ, डेली की डेली व्लॉग्स निकालूँ। उससे अपना थोड़ा एल्गोरिदम भी अच्छा होगा यूट्यूब का, यूट्यूब अपने को पुश भी देगा, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा प्रोडक्टिव लग रहा है कि मैं डेली की डेली कुछ अपना काम कर रहा हूँ। इट फील्स वेरी गुड, और आप लोग को भी एंटरटेनिंग लगता है। कई लोगों ने मेरे से बोला यार तो डेली व्लॉग्स का तुम्हारे इंतज़ार रहता है, सुबह नाश्ते के टेबल पे बैठते हैं तुम्हारा व्लॉग्स देखते हुए नाश्ता करते हैं, अब तो बस इंतज़ार रहता है कि कब तुम्हारा व्लॉग आएगा। तो ये सारी चीज़ें ना सुन के अच्छा लगता है, तो यही सब मोटिवेट करता है कि भैया रोज़ डालो, रोज़ अपलोड करो, रोज़ वीडियो बनाओ। लेकिन सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को खुद अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट भी करते हो। तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो यार, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार। और जब देख रहे हो ये वीडियो तो यार लाइक तो ज़रूर मार ही दो अगर पसंद आ रही है तो यहाँ तक, और यार कुछ कमेंट तो कर ही दो, यही लिख दो कि अच्छा बनाते हो या बुरा बनाते हो, ये सही करो वो सही करो, एनीथिंग बट डू समथिंग। चलो शिल्पी पब्लिश पे क्लिक करो, पब्लिश पे क्लिक करो। ये हो गया पब्लिश। ये तुमने पहली वीडियो पब्लिश करी यूट्यूब पे, कैसा लग रहा है आपको? कैसे शेयर होगी? कैसे शेयर होगी बताते हैं। नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं करना है। तो मैडम शिल्पी, व्हाट्स इन द ब्रेकफास्ट टुडे? पोहा। वाओ पोहा, आई लव पोहा, यू नो दिस, आई लव पोहा। नहीं पोहे में अगर वो डाला हो तो क्या? अनार के दाने। ओ अनार नहीं है अपने पास? बैठ लेके आऊँ अभी? नहीं, जब पोहा बनाना ना करना है तो बता दिया, घर पे ले आऊँगा अगर खत्म है तो। अब बताओ लंच में क्या रख रहे हो? राजमा चावल। राजमा चावल, कल वाले राजमा। ये तो ऐसे ही होता है कभी कभी, मतलब राजमा तो आप 2 दिन चला सकते हो, जिस दिन बने उस दिन और नेक्स्ट डे। ऑगी ने अभी अभी डॉग फूड खा लिया है, अब ऑगी रिलैक्स कर रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, ये बड़ा भी हो रहा है ये धीरे धीरे। जो इसको बहुत दिन बाद देखता है ना कहता है कि यार ये तो बड़ा सा दिख रहा है, ये तो बड़ा सा दिख रहा है। तुम पोहा वोहा बनाओ, मैं जा रहा हूँ नहाने को। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:25। नहा के आता हूँ फिर बैठते हैं आराम से, थोड़ा देर बैठ लेंगे ना नाश्ते के टाइम पे आराम से, है ना? अरे थोड़ा टाइम बिताएंगे आपके साथ। फिर आप कहती हैं कि नहीं नहीं, फिर आप कहते हो ये टाइम नहीं देते हैं। भैया तो नहीं कहती, सही बात कहो तो सबको बुरी लगती है, ठीक है? नहीं मतलब इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, नहा के बैठते हैं फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट हम लोग रोज साथ में करते हैं, डिनर हम लोग रोज साथ में करते हैं, लंच में मैं ऑफिस जाता हूँ इसीलिए।
अलग अलग हो जाता है मामला, पता है तुम्हें सब चीज़, फिर भी तुम ऐसे बोलती हो। टाइम की बात हो रही है, ठीक है, मतलब मैं टाइम देता हूँ तुम्हें। यस, सपनों में? सपनों में नहीं, हकीकत में भी। चलो मैं जा रहा हूँ, नहा के आता हूँ। नहा के आते हैं फ्रेंड्स, फिर हम ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं। A few moments later. तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपना नाश्ता। आज नाश्ते में बनाए पोहा, प्रोटीन, थैंक्स अ लॉट। लंच भी रेडी हो गया है ले जाने के लिए, एवरीथिंग इज पैक्ड एंड रेडी। बस ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए। आज मैं लेट नहीं हूँ, आज मैं टाइम पे हूँ, फॉर अ चेंज। मिलते हैं शाम को ऑफिस से आने के बाद। हेलो गाइस, तो मैं ऑफिस से वापस आ गया। ऑगी और शिल्पी एज यूजुअल खेल कूद रहे हैं और मेरी एनर्जी हो गई है ड्रेन्ड आउट। तो मैं तो बनाने जा रहा हूँ अपने लिए ग्लूकोज। तो बॉल के साथ मस्त खेलता है ऑगी। वो देखो मुंह में बॉल दबा लिया, भाग रहा है इधर से उधर। मैडम आज गई थी मार्केट, मार्केट से लाई है मेरे लिए पेस्ट्रीज, चौको पेस्ट्रीज। ये थोड़ी सी बिगड़ गई हैं लाते वक्त, थोड़ी हिल डुल गई हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ गई है। थैंक यू वेरी मच शिल्पी, इतना ख्याल रखने के लिए मेरा। तुम क्या लाए हो मेरे लिए? मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तुम्हारी फेवरेट। तो अभी अपन लोग ये खा के एंजॉय करेगा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पेस्ट्री है ये, अलीगढ़ की वन ऑफ द बेस्ट। जस्सी बेकरी, जस्सी बेकरी, ये जो यहाँ पे है सेंटर पॉइंट। अच्छा, सेंटर पॉइंट वाला जस्सी बेकरी, देखा है तुमने? याद नहीं आ रहा अभी। वो बहुत गलियों में जाके तुमने देखा ही नहीं होगा। नहीं, मैंने नहीं देखा वो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे नहीं है। ओह, आई गॉट इट। वो गलियों देखा है मैंने, देखा है मैंने। A few inches later. भाई लोग देखो, हम लोगों ने कैसी तबाही मचाई है इसको खा करके, लेकिन अब जरा सी बची है, इसको खाने का मन नहीं कर रहा, तो पैक कर रहे हैं फिर से इसको। तो डिब्बे को पैक करना अपने आप में एक कलाकारी है जो कि शिल्पी को आती है, मुझे नहीं। काम से बचने के लिए झूठ मत बोला करो, डब्बा सबको बंद करना आता है। मुझे नहीं आता। एकदम बेवकूफ हो क्या? है नहीं, मतलब मुझे सच में नहीं आता था। जस्सी जैसी कोई नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे जस्सी जैसा। जस्सी के केक, जस्सी की पेस्ट्री जैसा कोई नहीं। उस दिन हम खा के आए थे ओगी को दिखा के, यक। अच्छा, वो डार्क कोको वाली, वो तो बेकार थी। वो डार्क चॉकलेट थी, नहीं, उसने हमें बेवकूफ बनाया था। एक्चुअली मेरे दांतों में सेंसिटिविटी है, तो मेरे को ना सिर्फ डार्क चॉकलेट ही मजा आता है खाने में। तुमने सिखाया ये डार्क चॉकलेट का चस्का, इसने मेरे को दिलवाया है। आज डिनर बाहर से आएगा, क्यों? क्योंकि आज है फ्राइडे नाइट मनाएंगे हम लोग, बाहर से डिनर लाएंगे। टिक्के शिक्के लव शब्द चिकन कुराना, कुछ भी बोल देना। नहीं, मतलब नॉट चिकन कुराना, हम लोग सादा वेज खाना खाएंगे वेजिटेरियंस के साथ रहने। हेलो, हाँ जी, दसो जी। वेजिटेरियन के साथ क्या मतलब? नहीं, मतलब वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके साथ हम वेज खाना खाते हैं। वैसे ऐसा कुछ लोड नहीं है, मैं नॉन वेज खा सकता हूँ, ये वेज खाती है, ऐसा कुछ हमारे बीच कोई इशू नहीं है। पहले से बातचीत फिक्स्ड है हमारी कि मैं नॉन वेज खा सकता हूँ और ये नहीं खाए तो चलेगा। लेकिन तुम फिर घर में नहीं रहोगे, ये तुम बताना भूल गए। आधी बात, वो एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ था ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला, जो एस्ट्रिक छोटा सा एक जगह होता है। बस सिर्फ एक मिरर का रिफ्लेक्शन है ओगी। हाँ, भौंक रहा था तू इस पे। भौंक क्यों रहा था इस पे बेटू? ओगी को डिनर दे दिया है, ओगी डिनर खा रहा है मस्त।
पानी में लगी हुई ब्रेड है और थोड़ा सा डॉग फूड मिला हुआ है। दिया किसने है मैडम? आपने दिया है और किसने दिया है? तो ठीक है गाइस, अपन भी जाते हैं खाना वाना खाते हैं, क्योंकि फिर मेरे को जल्दी सोना है, क्योंकि जल्दी उठना है, क्योंकि ब्लॉग एडिट करना है। तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।